देवक तो मेरा गुप्ता एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ लाडली लाल चैनल पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नीचे जो नोटिफिकेशन बेल है घंटी उसे भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो आपका सेवक आपके समक्ष प्रस्तुत है ये ट्रिपल लेयर ड्रेस लेके। मैंने इसमें 3 परत बनाई, आप 4 भी बना सकते हैं, तो काफ़ी ब्यूटीफुल है आपको जैसे कि लग ही रहा होगा। मैंने इसमें ऑरेंज और व्हाइट कलर यूज़ किया है, आप अपने कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, व्हाइट के ऊपर कोई भी कलर अच्छा लगता है आप जानते ही हैं। तो दूसरी चीज़ मैं बता देना चाहूँगा, इसमें मेहनत तो काफ़ी लगी है, आपकी भी अगर बनाएंगे तो लगेगी, और प्लस वूल भी लगी है, लेकिन पैटर्न बहुत ही ईजी है, पैटर्न समझने जैसा कुछ नहीं है, बस मेहनत और थोड़ी वूल है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे 2 नंबर की चोली बना के रखी ऑलरेडी, चोली के साथ मैंने घेरा भी थोड़ा सा बनाया है, 3 लाइन है यहाँ पे, 3 लाइंस बनाई हैं यहाँ पे। मैंने बड़ी वाली ड्रेस में 6 या 5 ऐसे दी थी लाइन, मतलब ये घेरा 1, 2, 3 है तो उसमें मैंने 5 कर दी थी। तो मैंने ट्रिपल लेयर है तो 3 ही जरूरत पड़ेगी वैसे, और थोड़ा वहाँ गैपिंग, बड़ी ड्रेस है थोड़ा गैपिंग के लिए चाहिए होता है, इसमें हम गैपिंग नहीं देंगे, छोटी वाली में तो चलेगा, तो इतना तो आप बना ही लेंगे। तो आइए देखते हैं इसके आगे कैसे स्टार्ट करनी है। तो वूल में नोट लगाएंगे इस तरीके से, 1 नोट लगा दी हमने, ओके। ये देखिए इस तरीके से हमने 1 नोट लगा दी है, लेकिन नोट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए कहीं से भी ये फर्स्ट वाली लाइन में, और जैसे आपको गैपिंग 4 लाइन बनाते हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ वाले से, मतलब 1, 2 एंड 3, इन तीनों में हमारा कवर हो जाएगा 3 लाइन। तो हम कहीं से भी ये देखिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, और यहाँ से और ये यहाँ से ऐसे हम निकालेंगे। तो इसे पहले ऐसे निकाल के, एक आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा होगा आशा करता हूँ, सॉरी ये कैमरे की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें हम देखिए इस तरीके एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट, और थोड़ा सा धागा खींचेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से पहले फर्स्ट लाइन चढ़ा देंगे, और ये इस तरीके से ये एक धागा खींचेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 बार हम देखिए इस तरीके से एक ही जगह से निकाल लेंगे, ओके। और फिर ये देखिए इस तरीके से धागा खींचते हुए एक ही सिंगल क्रोशिया की तरह चेन, और फिर इसके बाद एक और बनाएंगे, इसी के बाद एक और, ओके, इसके बाद एक और ले लेनी है हमें इस प्रकार से करते हुए। ये देखिए एक और ले ली हमने, और इसके बाद देखिए थोड़ा सा लंबा सा लूप करेंगे, और इसे इस तरीके से निकाल के, और यहाँ पे देखिए 3 धागे हो जाते हैं। तो ये वाला, ये जो नीचे वाला है, इसे वाला पकड़ के रखना है इस तरीके, और इसके अंदर से क्रोशिया डाल के, देखिए इसके अंदर से क्रोशिया डाल के, ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया फिर कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से ये एक लूप जैसा बन गया, फिर धागा चढ़ाएंगे। अब धागा चढ़ाने के बाद, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, धागा चढ़ाने के बाद ये देखिए इस वाले में हमने बनाया था 1 एंड 2, 2 छोड़ के ये तीसरे वाले में फिर से यहाँ से डालेंगे, एंटर करेंगे, और देखिए साइड से इस तरीके से ऐसे निकाल देंगे, ओके। फिर से देखिए 1 उसी वाले में से 1 एंड 2, 3, 4 एंड 5, ओके। ये देखिए इस तरीके से निकाल के फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, और फिर थोड़ा सा लूप बड़ा करेंगे, और ये देखिए ये वाला धागा एज से हमें उंगली से पकड़ के रखेंगे तो आपको इजी रहेगा। पकड़ने के बाद ये देखिए इस तरीके से फिर ये एंटर करके ये यहाँ से फिर निकाल देंगे, ओके। फिर ध्यान दीजिए थोड़ा, इस वाले हमने किया 1 एंड 2, मतलब 2, 2 का हमें गैप देना है। फिर इसमें तीसरे वाले में से देखिए ऐसे सामने नहीं निकालेंगे यहाँ पे, ये थोड़ा तिरछा करके निकालेंगे, ओके, ताकि हमारी डिज़ाइन थोड़ी घूमी हुई बने, ओके। ये थोड़ा फर्स्ट बार थोड़ा टाइटली होता है, 1, 2, 3, 4, 5, ओके, 5 बार करने लगा हमें, और बड़ा पफ चाहिए तो आप 6, 7 बार भी कर सकते हैं सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, थोड़ा लूप बढ़ाएंगे, और इसे इस तरीके से यहाँ से एंटर करके ये हो गया, ओके। तो इसी तरीके से करते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे, ओके। ये कंप्लीट करके हम वापस आते हैं,
ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं वर्क। यहाँ पे भी देखिए दो चेन वन एंड टू, टू का गैप आ रहा है। अगर तीन का भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चार का आ जाए तो आप बीच में एक कर दीजिएगा, भले एक दो इधर उधर हो। तो हम देखें यहाँ पे, ये यहाँ पे अटैच कर देंगे। यहाँ पे आप डालेंगे देखिए फंदा जैसा मिलेगा, तो यहाँ पे हम ये देखिए ये स्लिप स्टिच। ओके, अब इसे थोड़ा बड़ा करेंगे वहीं पे, फिर इसी के अंदर देखिए वन टू थ्री फोर एंड फाइव। ओके, थोड़ा ये सही नहीं बना, फाइव वाला थ्री हो गए थे हमारे, फोर एंड ये फाइव, अब ठीक है। ओके, तो इसे फिर से निकाल देंगे। यहाँ पे एक चेन बना के अब यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि हम ट्रिपल लेयर तीन लेयर बनाएंगे, तो ये हम यहाँ पे पफ दो बनाएंगे, इस वाले में तीन पफ की लाइन बनाएंगे। ओके, जैसे कि मैंने देखी ड्रेस बना रखी, इसमें मैंने सिर्फ लास्ट वाली लाइन बनाई है आपको समझाने के लिए। तो वन टू थ्री एंड फोर ही लास्ट वाले में जाइए, वर्क करेंगे हम इस वाले में। सबसे लास्ट में फोर बनाई है और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, और जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो टू बनाएंगे, मतलब एक एक माइनस करते जाएंगे हम अंदर से स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप देखिए यहीं कॉर्नर से स्टार्ट कीजिएगा, जैसे आपने किनारी की बनाई तो आपको ये वाली बनाने में प्रॉब्लम आएगी। ओके, मैंने ये सिंपल के लिए सैम्पल बनाया आपके लिए, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा लास्ट में। तो ये देखिए मैं कैसे करना ये बताता हूँ आपको। ये थोड़ा सा लूप बनाएंगे, फिर छोटा लूप बनाना है इससे थोड़ा सा छोटा, क्योंकि यहाँ दो लूप बनेंगे एक साथ। ये देखिए ये सिंगल क्रोशिया करके निकाल देंगे, फिर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, फिर एक और इसी में बना देंगे। ओके, अब हम सेम वर्क फिर वही करेंगे, इसके अंदर एंटर करेंगे, ये सॉरी सही से गए नहीं है, तो मैं अभी दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ पर ये, हाँ देखिए आ गया ना पकड़ में, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। ओके, ये देखिए इस तरीके से आ गया। फिर यहाँ से सिंगल क्रोशिया, फिर वन निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे दो लूप बनाए तो ऐसे ही फिर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ये एक लूप, फिर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, फिर ये दूसरा लूप। ओके, अब फिर इस वाले पफ के ऊपर पफ बना देंगे दोबारा वैसे ही सेम पैटर्न से, ये वन टू थ्री फोर फाइव। ओके, अब आसानी से ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो ये देखिए सेम पैटर्न फॉलो करते ही इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए कंप्लीट करके वापस आते हैं। तो ये देखिए हम लास्ट में आ चुके हैं, तो फ्लिप यहाँ पे देखिए ये ऐसे करके से पकड़ के नीचे जो लूप मिलेगा, फंदा मिलेगा हमें, उसमें हम अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच से। और ये देखिए इधर जाते हुए एक बार बैक साइड में भी कर देंगे। उसका देखिए ये वूल थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके हम कट कर देंगे। ओके, कट कर दिया, इसे हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर से डाल के ये यहाँ से निकाल देंगे हम, सॉरी आराम से ये इस तरीके से, और यहाँ से ये बैक साइड से डाल के क्रोशिया को ऐसे यहाँ से एडजस्ट कर देंगे। ओके, मतलब इधर उधर हमें मतलब छुपा देना है वूल को कैसे भी, सॉरी इसे हम बाद में करेंगे, छोड़ दीजिए इसे। छोड़ने के बाद देखिए, अब देखिए इसमें हम ऑरेंज कलर ऐड करेंगे। तो ऑरेंज कलर कैसे हम ऐड करेंगे, ये हमने ऑरेंज कलर ले लिया, इसकी एक बनाएंगे लूप, जैसे कि हमने ये देखिए आपके समक्ष सामने बना ली है। तो इसे कहीं से भी ये पफ से हम लेके कोई से भी पफ से आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं जहाँ से आपने अटैच किया वहीं से लेंगे। तो ये इस तरीके से डाल के, और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया ये इस तरीके से आप कर देंगे सिंगल क्रोशिया। ओके, उसका देखिए एक चेन और बना लेंगे, और ये थोड़ा सा बड़ा करके लूप फिर वैसे ही बनाएंगे, एक लूप। ओके, अब ये देखिए जो बीच वाला, ये जो बीच वाले में आपको देखिए फंदा दिख रहा होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ एंटर करेंगे और एक ही सिंगल क्रोशिया।
ओके, 1, 2, 3 एंड 4 चेन, फिर इसी में डाल के ये देखिए फिर सिंगल क्रोशिया, 1, 2, 3 एंड 4 फिर इसी में डाल के एक सिंगल क्रोशिया, फिर 1, 2, 3, 4 फिर इसी में डाल के एक सिंगल क्रोशिया। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा बड़ा सा करेंगे और सेम वैसे ही लूप बनाएंगे। ये एक लूप बना लिया हमने। ओके, और उसके बाद देखिए कैसे ये वाले में यहाँ पे हम एंटर करके यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, थोड़ा बड़ा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से फ्लावर, इस तरीके से देखिए किनारी बन गई हमारी। तो ये देखिए यहाँ पे हर जगह हम पे ऐसे ही किनारी, एक बार और मैं समझा देता हूँ आपको, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये एक लूप बना देंगे। ओके, फिर ये देखिए बीच वाला फंदा लेंगे यहाँ पे, ये बीच वाला, ये सिंगल क्रोशिया। ओके, 1, 2, 3 एंड 4 चेन बना के फिर इसी के अंदर एंटर कर देंगे। ओके, ये इस तरीके से हमने एंटर कराया, 1, 2, 3 एंड 4 बना के फिर इसी के अंदर एंटर करेंगे ये इस तरीके से। ओके, फिर 1, 2, 3 एंड 4 चेन बना के फिर इसी के अंदर एंटर करेंगे और फिर ये सिंगल क्रोशिया जैसे बना दिया हमने। फिर थोड़ा सा लूप बड़ा करके यहाँ एक लूप बना देंगे और यहाँ पे एक इस पफ में आके हम इसे अटैच कर देंगे। ओके, तो ये राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हम लास्ट में आ चुके हैं, तो इसे हम कैसे जॉइंट करेंगे, ये यहाँ इस वाले में एंटर करके और फिर हम स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर बैक साइड में जाके फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे। ओके, अब इसे कट कर देंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, इसे बाद में हम एडजस्ट कर देंगे। तो देखिए ये थोड़ा यहाँ से दिखाता हूँ आपको, जैसे कि आप देख रहे होंगे फर्स्ट सेकंड राउंड मैंने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ से हम इस वाले में अटैच करके मैं अब बताता हूँ आपको इसमें कैसे अटैच करना है आपको। तो फिर से हम वाइट वूल ले लेंगे और फिर से हम एक लूप बना लेंगे सेम पैटर्न। ओके, समझ में आ ही रहा होगा आपको मैं ऐसा करता हूँ। तो कहीं से भी आप एक जगह से देखिए यहाँ पे हो गया ये सेकंड वाले राउंड में, ये यहाँ से आप, ओके, तो इसे आप पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये सिंगल क्रोशिया हो गया, थोड़ा सा धागा खींच के इसी के अंदर 1, 2, 3, 4 और ये 5 फिर इसे लॉक कर देंगे 1 चेन, थोड़ा सा बड़ा करके एक लूप और फिर 2 गैप करके 1 एंड 2 तीसरे में, फिर से वही 1, 2, 3, 4 एंड ये 5। ओके, फिर लॉक, फिर 1 चेन, ऐसे लूप बनाते हुए इस वाले को भी राउंड को कंप्लीट कर देंगे। ये वाइट है, थोड़ा आपको ज़्यादा लाइटिंग में थोड़ा कम दिख रहा होगा, अब ये देखिए आप क्लियर दिखाएं ना। तो इस सेम पैटर्न से इसके भी कंप्लीट करके हम वापस आते हैं। तो ये देखिए ये भी राउंड कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे हम फिर से अटैच कर देंगे, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि इसमें 2 बने, इसमें बनेंगे 3। तो थोड़ा लूप बड़ा करेंगे इसी में, 1, 2, 3, 4 एंड 5 मतलब इसमें 2 पफ, इसमें 3 पफ, तो ये 1 पफ हो गया। तो इसमें एक और चेन बना के लूप थोड़ा बड़ा करेंगे और ये एक और लूप ये बन गया, फिर पफ के ऊपर पफ। यहाँ पे मैंने ये कॉर्नर वाली हो गई, तो इसमें 2 चेन मतलब 2 लूप बनेंगे जो लास्ट में आएगी, जो भी लास्ट में आएगी 2 ऐसे बना के और फिर तीसरे बारे में 2 लूप बनाएंगे और जितने भी उससे पहले रहेंगे उसमें 1-1 लूप बनता रहेगा। तो इसमें हमें 1 लूप ही बनाना है, 1, 2 एंड थोड़ा उलझ गया 3
फोर एंड ये फाइव। ओके, फिर से हमने इसे इस तरीके से थोड़ा निगरानी ओके कर दिया। ज़्यादा जल्दी करते हैं थोड़ा उलझ भी जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। सॉरी, फिर से एक लूप बना के ये हमने लूप बना दिया। और फिर से इसमें सेम पैटर्न से ऐसी लूप बनाते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे हम। ये देखिए लास्ट में आ गया। अब यहाँ पे हम इसे अटैच कर देंगे ये इस तरीके से। ये हो गया अटैच, फ्लिप स्टिच के माध्यम से इसे हमें अटैच कर देना है। फिर बड़ा सा लूप करेंगे थोड़ा सा। ओके, यहीं पे फिर 1, 2, 3, 4 एंड ये 5। ओके, 5 करने के बाद ये इसे निकाल देंगे और इसके बाद ये यहाँ से निकाल देंगे 1 चेन। अब हमें जैसे इसमें 2 बना दी थी हमने, देखिए यहाँ पे 1 एंड 2, तो इसमें 1, 2 एंड 3, 3 लास्ट है हमारी। तो यहाँ पे 2 लूप बनेंगे हमारे साथ। यहाँ पे 1-1 लूप हो रहा था ना, तो यहाँ 2 लूप एक साथ। पहले 1 लूप, ओके, फिर थोड़ा सा चेन बढ़ाएंगे फंदा, और फिर ये दूसरा लूप। ओके, 2 लूप हो गए हमारे। उसके बाद देखिए 2 लूप बनाने के बाद हमें क्या करना है, फिर से ऐसे धागा चढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए ये वाले पे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाले में यहाँ से फिर से 1 एंड 2, 3, 4 एंड ये 5। ये देखिए 5 हो चुके हैं हमारे। इसके बाद हमें देखिए क्या करना होगा, 5 करने के बाद यहाँ से आराम से इस प्रकार से हम देखिए धागा निकाल देंगे इस तरीके से। ये वूल हमने यहाँ से ये निकाल दिया। निकालने के बाद फिर से 1 चेन एंड 1, इस तरीके से करते हुए ये यहाँ पे फिर से देखिए 1 निकाल दिया हमने। उसके बाद देखिए फिर से ये 2 लूप हमने बना लिए, जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा। तो देखिए इस तरीके से करते हुए, देखिए अब मैं थोड़ा आपको नीचे रख के दिखा दूं। ये देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे जैसे 3 राउंड बनाए थे आपने देखे थे मैंने पहले ही। तो फर्स्ट राउंड में हो गया 2 पफ एंड सेकंड राउंड में 3 पफ, जैसे 1, 2 एंड 3 वाला हम वैसे की बना रहे थे यहाँ पे, ये 3 पफ। और ऐसे ये और 3 पफ बनाने के बाद ऐसे ऑरेंज बॉर्डर बना देंगे इसके बाद। और यहाँ पे जैसे कि मैंने ये वाला बना के रखा है, तो देखिए जैसे 4 पफ इसमें बनाए, 1, 2, 3 एंड 4, इसके बाद मैंने ऑरेंज बॉर्डर बना दिया। तो देखिए इस तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है। बड़ी ड्रेस में ज़्यादा पफ बनेंगे आपके, बनते जाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको ये वाले भी पीस दिखा देता हूँ, इसमें कितने कितने पफ बनाए। तो देखिए एक बार बैक साइड से कितनी मैंने रो लिए थे स्टार्टिंग में, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 लिए थे मैंने, जैसे कि आपको पहले ही बताया 5 है। तो इसमें मैंने सबसे लास्ट पहले यहीं से स्टार्ट किया था मैंने, तो इसमें मैंने बनाए थे 1, 2 एंड 3, फिर ऑरेंज बॉर्डर बना दिया। और सेकंड वाले में बनाया मैंने 1, 2, 3 एंड 4, फिर ऑरेंज बॉर्डर। और फिफ्थ, ये थर्ड वाले में बनाया मैंने, यहाँ से दिखाता हूँ आपको ऐसे थोड़ी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर आप उसके बाद ऑरेंज बना दिया बॉर्डर, अगर आप चार बॉर्डर चार लेयर बनाना चाहते तो फिर आप यहाँ से भी उठा के 2 पफ और बना दें तो 4 लेयर हो जाएंगे आपकी। अब तो 4 लेयर तो आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, 4 से ज़्यादा भी अच्छी नहीं लगेंगे, लेकिन 3 से कम भी मत बनाइएगा, 2 लेयर अच्छी नहीं लगेंगे इतनी। तो देखिए आपके सामने ड्रेस अच्छी लग रही है काफ़ी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और जहाँ भी मैंने मिस्टेक की हो या आपकी तरफ से कोई भी सजेशन हो, मुझे इतनी दिमाग नहीं है कैसे क्या करना है, फिर भी आपको थोड़ा ठीक लग रहा है तो इस वजह से, जो भी आपको सजेशन देना हो, मुझे आज्ञा देनी हो, तो प्लीज़ अपने कमेंट मुझे ज़रूर लिखिएगा इसमें नीचे इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और बेल आइकन को भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। श्री राधे भक्तों, बाय बाय।